तो इधर हिंदुस्तान की दहाड़ से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। LOC पर कुछ भी हलचल होती है तो पाकिस्तान आर्मी घबराने लगती है। देखिए कैसे बाजवा एंड कंपनी बौखलाई हुई है। कश्मीर में भूकंप आने से डरा पाकिस्तान। कश्मीर में भूकंप आया, पाकिस्तान में हुई दहशत। भूकंप के झटकों से पाकिस्तान को लगा कि भारत ने POK पर हमले का बिगुल फूंक दिया है। आनन फानन में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 और J-17 थंडर जेटों ने सरगोधा एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान के आसमान में गश्त लगाते नजर आए। इससे पहले इस्लामाबाद में बुजदिल बाजवा ने कोर कमांडरों के साथ एक मीटिंग भी की। कमांडरों की मीटिंग के बाद बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिले। ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि लद्दाख में अपने आका चीन का गुरूर चूर चूर होने के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। इमरान खान को एहसास हो चुका है कि लद्दाख में परवाज भरते राफेल का रुख किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ हो सकता है। खासतौर से POK में पाकिस्तान के पापों के अंत का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए बाजवा ने इमरान को बताया कि जंग की तैयारी पूरी है। सवाल ये है कि क्या LAC के साथ ही LOC पर भी जंग होगी? क्या चीन के साथ ही पाकिस्तान से भी युद्ध होने वाला है? इससे भी अहम सवाल ये कि चार चार जंग में शिकस्त खाने के बाद भी क्या पाकिस्तानियों की जंग लड़ने की औकात है? इस वक्त पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बटा है। बलूचिस्तान का अपना हिस्सा, गिलगित बल्टिस्तान का दूसरा हिस्सा, सिंध का क्वेटा का अपना हिस्सा। पड़ोसी देश में जिसे देखिए वही बाजवा ब्रिगेड से बगावत पर उतारू है। ऐसे हालात में भारत से युद्ध करना पाकिस्तान के लिए अपने ही डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि LOC पर कुछ भी हलचल दिखाई देने पर पाकिस्तान के प्राण सूख जाते हैं और आतंकी फौज घबराहट में पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती है। कश्मीर में आए भूकंप के बाद पाकिस्तान में मची अफरा तफरी का मंजर भी यही बयां करता है। इधर पाकिस्तान में भी बाजवा के खिलाफ आवाजें बुलंद होनी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की दहाड़ से इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात है। 100 सेकंड में देखिए इंटरनेशनल लताड़ से लेकर इस्लामाबाद तक मचा घमासान। कश्मीर के मुद्दे पर बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर UN के मंच का गलत इस्तेमाल किया और कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के झूठ को हिंदुस्तान ने पुर्जा पुर्जा करके बिखेर दिया है। UN में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। We reject the malicious reference made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. Pakistan is a country which is globally recognized as the epicenter of terrorism, which by its own admission harbors and trains terrorists and hails them as martyrs and consistently persecutes its ethnic and religious minorities. It would do well to turn its attention inwards to immediately addressing these pressing concerns instead of diverting attention from them by misusing UN platforms. हिंदुस्तान की बेटी के शब्द पाकिस्तानी हुक्मरानों के सीने में शूल की तरह जागड़े। इधर UN में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लताड़ा तो उधर पाकिस्तान में भी सियासी भूचाल आने के संकेत मिले। बाजवा और इमरान कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। विपक्ष ने एक तरह से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एक साल की खामोशी के बाद नवाज शरीफ ने पाक फौज पर जोरदार हमला किया। नवाज शरीफ ने आर्मी पर यह हमला ऑनलाइन ऑल पार्टी मीट के दौरान बोला, जिसके बाद बाजवा बेचैन हो उठे। आनंद फानंद में अपने कठपुतली सुल्तान इमरान खान से मिलने पहुंच गए। बाजवा और इमरान खान को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि जिस पाकिस्तान में आर्मी की मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता, उस पाकिस्तान में आर्मी चीफ को भरी महफिल में खरी खोटी सुनाई जाने लगी है। पाकिस्तानियों को अपने सिर पर हिंदुस्तानी बारूद बरसने का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह इंडियन आर्मी ने चीन की सेना को धूल चटा रखी है, उसके बाद से पाकिस्तानियों के दिल में POK छिनने और वहां तिरंगा फहराने का खौफ भर गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाजवा की बुजदिल फौज हिंदुस्तान के शूरवीरों के आगे टिक नहीं पाएगी। इसलिए अब तक जो आर्मी पाकिस्तान में तख्तापलट करती थी, अब उसी आर्मी के चीफ बाजवा से तख्तोताज छीनने के लिए सियासी यलगार हो चुका है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,